इस वक्त ही वर्ल्ड कप में एक बड़ा उलटफेर हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था। बरसात वहां पर रुकी नहीं, 7:40 कट ऑफ टाइम था, लेकिन चूंकि बरसात चल रही थी तो पाकिस्तान ने इस मुकाबले को जीत लिया है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में हरा दिया है 21 रनों से। डकवर्थ लुईस नियम के तहत 21 रनों से पाकिस्तान को जीत मिली है। 401 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने। पाकिस्तान ने शुरुआत बड़ी अच्छी की, फिर बरसात आई, फिर 342 रनों का लक्ष्य था पाकिस्तान के सामने 41 ओवरों में। बरसात दोबारा आई, उन्होंने 200 रन बनाए थे एक विकेट के नुकसान पर 25.3 ओवर्स में। और चूंकि मैच नहीं शुरू हो पाया तो पाकिस्तान 21 रनों से डकवर्थ लुईस नियम के तहत इस मैच को जीत गया है। फखर जमान ने 126 रन बनाए, नॉट आउट 81 गेंदों में 11 छक्के। बाबर आजम 63 गेंदों में 66 नॉट आउट। और अब मजे की बात यह है कि पाकिस्तान अचानक से सेमीफाइनल की दौड़ में वापस आ गया है, जिंदा है पाकिस्तान। 11 तारीख को ये इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगे और न्यूजीलैंड का आखिरी मुकाबला श्रीलंका से। तो मैं समीकरण आपको बता दूं कि फिलहाल न्यूजीलैंड के 7 मैचों में 4 जीत हैं और पाकिस्तान की 7 मैचों में 4 जीत। यहां से पाकिस्तान यह चाहेगा कि वो आखिरी मुकाबला न्यूजीलैंड को, अपने आखिरी मुकाबले में वो इंग्लैंड को हराए और वहां न्यूजीलैंड श्रीलंका से हारे। यानी कि पाकिस्तान ये चाहेगा कि वो इंग्लैंड को हराए आखिरी मुकाबले में और न्यूजीलैंड जो है वो आखिरी मुकाबले में श्रीलंका से हार जाए। ये पॉइंट्स टैली है जी, पॉइंट्स टैली है। तो फिलहाल भारत नंबर 1 है, साउथ अफ्रीका 2, ऑस्ट्रेलिया भी अभी मैच खेल रहा है, 3 पे चल रहा है, लेकिन ये 4, 5 और 6 पर नजर डालें। अब न्यूजीलैंड भी 8 मैचों में 4 मुकाबले जीता है, पाकिस्तान भी जीता है और नेट रन रेट जरूर न्यूजीलैंड का थोड़ा बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान ने थोड़ा सा आज कवर अप किया है। अब अल्टीमेटली ये भी हो सकता है कि अफगानिस्तान भी चांसेस है, अफगानिस्तान भी 7 में 4 जीता, हालांकि इनके 2 जो आखिरी मुकाबले हैं वो थोड़े मुश्किल मुकाबले हैं। लेकिन अब समीकरण शायद अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो वो चौथे दौड़ की लड़ाई में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का लास्ट मैच है श्रीलंका से, पाकिस्तान का लास्ट मैच है इंग्लैंड से। यानी कि अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे, न्यूजीलैंड श्रीलंका हार जाए तो फिर पाकिस्तान थ्रू। अगर न्यूजीलैंड भी श्रीलंका को हरा दे और पाकिस्तान भी इंग्लैंड को हरा दे, पॉइंट्स बराबर, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से वो जीत चाहिए होगी नेट रन रेट में, क्योंकि वो न्यूजीलैंड से पीछे चल रहा है। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान एक और जीतने के बावजूद सेमीफाइनल में ना जा पाए। देखिए पाकिस्तान के थोड़े से रास्ते तो खुले हैं, इसमें कोई शक नहीं आज का मैच जीतने के। देखिए क्या है कि इंग्लैंड, पाकिस्तान इंग्लैंड को बीट कर सकते हो, क्योंकि इंग्लैंड अभी तक कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही, पर डिपेंड करता है डे में वो उस दिन। न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार सकते हैं। हाँ, न्यूजीलैंड देखिए वो भी मैच जो है पॉसिबिलिटी है उसमें भी, क्योंकि श्रीलंका कोई इतनी कमजोर टीम नहीं है, पर क्योंकि न्यूजीलैंड अब जो है वो काफी ज्यादा अंडर प्रेशर आ चुका हुआ है कि ये मुकाबला हारने से। और दिलचस्प ये है कि अगर इंडिया कल मुकाबला जीत गया तो इंडिया नंबर 1 हो जाएगा और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से जो टीम आएगी वो मोस्ट लाइकली चौथे नंबर पर आएगी। यानी कि अगर सेमीफाइनल होगा तो फिर इंडिया या तो न्यूजीलैंड से खेल रहा होगा या फिर पाकिस्तान से खेल रहा होगा। कह रहा सर भाई जो मर्जी कहिए, लेकिन ये मैच बड़ा दिलचस्प हुआ। और ये तो कहना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड ने बड़ी हल्की गेंदबाजी की और पाकिस्तान ने पैनिक जरा नहीं किया। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि दोनों जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो तो सीनियर खिलाड़ी हैं, तो वो भारतीय टीम को दिशा दिखाएंगे अपनी बल्लेबाजी से और अपनी एटीट्यूड से दिशा दिखाएंगे, जिससे युवा खिलाड़ी और जो क्रम में भी जो युवा खिलाड़ी है वो उनसे उनसे सीख सके। अगर दोनों ने रन बनाए तो फिर आंधी चांदी होगी, क्योंकि रोहित शर्मा जैसे आपने कहा उनके लिए ईडन गार्डन बड़ा फेवरेट है और ईडन गार्डन्स के फेवरेट विराट कोहली है, तो अगर दोनों ने रन बनाए तो चांदी ही चांदी होगी। चलिए भाई बात कर रहे हैं विराट कोहली जिनका कल जन्मदिन है और रोहित शर्मा जो कप्तान है और जिनका ईडन गार्डन्स में रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है। मदन जी लेकिन जो मर्जी कहिए, रोहित और विराट के लिए वर्ल्ड कप जबरदस्त चल रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों ने रन बनाए हैं और रोहित का तो ये है कि उन्होंने कैप्टनसी बड़े अच्छी की है। देखिए उसने
जो भी चेंजेस की हैं, जैसे उन्होंने टीम को हैंडल किया है और जैसे उसने अपने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है, ये मैं समझता हूँ कि एक नया रोहित शर्मा को देखने को मिला है। बाकी विराट कोहली के तो हम जानते ही हैं कि वो एक ऐसा बैट्समैन है, उसका इनिशियल पीरियड जब निकलता है तो वो लंबे ही रन बनाता है। बट सुनील ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि अगर सीनियर प्लेयर अगर रन बनाते हैं जूनियर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या है कि आपके जूनियर प्लेयर दूसरे जो यंगस्टर है, जो बड़ा प्लेयर है, वो कहता है कि हाँ दिस इज माई गेम, यू नो ये मेरा मैच है और मैंने परफॉर्म किया। दबाव तो भाई अब सीधा सीधा देखा जाए तो साउथ अफ्रीका पे भी है। साउथ अफ्रीका अच्छी क्रिकेट खेल कर आया, लेकिन साउथ अफ्रीका भी जानता है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनका रिकॉर्ड क्या है। पाकिस्तान दरअसल पांचवें नहीं, वो छठी पायदान पर है, क्योंकि अफगानिस्तान पांचवें नंबर पर है। पाकिस्तान ने लेकिन इम्प्रूव किया है, उनका नेट 100 देखें वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। सर भाई, पाकिस्तान की जीत पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की शुरुआत से, उनको ये पता था कि क्योंकि वेदर का मतलब उसी वक्त लोग कहते थे दिन के शुरू होने से कि बारिश की संभावना है, खेल रोकने की संभावना है, तो उसी एटीट्यूड से वो उन्होंने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग ले ली थी उसी की वजह से, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जरूरत पड़े तो डीएल पर ही मैच डिसाइड हो सकती है, और उसी अंदाज से उन्होंने बैटिंग चेस की। 400 रन से वो डर नहीं गए, 400 रन के लिए उन्होंने देखा था कि 20 ओवर में कितने होने चाहिए, अगर एक विकेट गई दो विकेट गई तो इस सोच की प्रशंसा करनी चाहिए। और अब मुझे लगता है कि टूर्नामेंट और भी इंटरेस्टिंग हो गया पाकिस्तान की इस जीत के बाद। सही बात है, और चूंकि अब कल का मैच भी बड़ा दिलचस्प है, इंडिया अगर कल मैच जीतता है तो इंडिया नंबर 1 हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन तीनों में से जो टीम आएगी मोस्ट लाइकली चौथी वही होगी, तो इंडिया को फिर सेमीफाइनल इन तीनों में से जो टीम आती है उसके साथ खेलना होगा। न्यूजीलैंड फिलहाल अगर आप देखें टेक्निकली सबसे आगे है, बट भाई इतना जबरदस्त क्रिकेट खेलने के बावजूद वो डिप किए हैं, और वो डिप किए हैं गलत वक्त पर, गलत वक्त पर। पाकिस्तान ऊपर आया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए फिर वही सवाल आ जाता है ना कि टू लिटिल टू लेट तो नहीं हो गया? चूंकि ये मैच ईडन गार्डन्स में है, राहुल ने अभी बताया कि अच्छा विकेट यानी कि पाटा तो नहीं होगा, थोड़ा सा ड्राइश सरफेस आपको दिखेगा, वो क्या भारत को एडवांटेज देता है? देखिए, कौन पहले बल्लेबाजी करता है उसमें भी काफी निर्भर रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम यही चाहेगी कि चेस करे, क्योंकि बड़े अच्छे चेजर